हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। कोयले की कमी को लेकर चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने व्यापक बिजली कटौती के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने इसका सही समाधान ढूंढ लिया है, जो यात्री ट्रेनों को रद्द करना और कोयला रेक चलाना है। कई राज्यों में शुक्रवार को बिजली की किल्लत बनी रही और बढ़ती गर्मी ने मांग को और बढ़ा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर दी जगह। जी हां, टाइम मैगजीन ने रूस जैसे ताकतवर देश का महीनों तक सामना करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को अपने कवर पेज में जगह दी है। मैगजीन के कवर पेज पर राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर छापी गई है। बता दें कि इस तस्वीर के साथ लिखा है, हाउ जेलेंस्की लीड्स इनसाइड कंपाउंड विद द प्रेसिडेंट एंड हिज टीम। सीएम जजों की कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी बोले, जनता की भाषा में हो न्याय। जी हां, पीएम मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, इससे सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, ईवीएम भारत का गौरव, सटीक और समय पर परिणाम प्रदान करती है। जी हां, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन राष्ट्र का गौरव है, ये सटीक और समय पर परिणाम प्रदान करती है, जब से उन्हें पहली बार रखा गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देश यह जानने के लिए उत्सुक है कि भारत समय पर और सही तरीके से चुनाव परिणाम कैसे देता है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाला नए सेना प्रमुख का कार्यभार, नरवणे की ली जगह। जी हां, देश को जनरल मनोज पांडे के रूप में नया सेना प्रमुख मिल गया है। उन्होंने सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने एमएम नरवणे की जगह ली है। जनरल पांडे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं जो कि सेना प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। वह इससे पहले ईस्टर्न कमांड में कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। सीएम उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से कड़ा सवाल, कहा जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब आप कहाँ थे। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है और पूछा कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब आप कहाँ थे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान राज ठाकरे की पार्टी और भाजपा छिप गए थे। KGF 2 ने दुनिया भर में कमाए 1,000 करोड़ रुपए, ऐसा करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बनी। जी हां, KGF चैप्टर 2 ने कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। इस फिल्म ने अभी तक दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली यह चौथी भारतीय फिल्म बन गई है। इसके पहले बाहुबली द कंक्लूजन, RRR और दंगल ही इस मुकाम तक पहुँच पाई है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।